22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आशुतोष। चुनाव परिणाम की घोषणा हो गई है और अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि किसकी सरकार बननी है। जी हां, अब देश में फिर एक बार मोदी सरकार, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 285 सीटें हासिल की है, 355 सीट एनडीए को मिला है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप की है। जेडीयू 17 में से 15 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जेडीयू ने, और एलजेपी 6 की 6 सीटें जीत ली है। जेडीयू जो कुल मिलाकर अगर बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 39 पर फैसला हो गया है। 38 सीटों पर एनडीए जीत चुकी है या जीतने के कगार पे है, और एक सीट किशनगंज सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। हमारे एग्जिट पोल में भी यह दिखाया गया था। और एक सीट जो जहानाबाद है, वहां पे बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस जीत के पीछे क्या था कारण, और महागठबंधन का जो हाल है इतना बुरा क्यों हुआ, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको करारी शिकस्त मिली है इस लोकसभा चुनाव में। तो हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत जी, क्या कारण मानते हैं महागठबंधन की इतनी बुरी हार की और एनडीए की इतनी महाजीत की? देखिए, जो हम रैंडम सर्वे कर रहे थे लोगों के बीच जाकर, तो लोग मोदी मोदी कर रहे थे और साफ दिख रहा था कि मोदी वेव है। 2014 में भी ये वेव नहीं था, लेकिन खुद अपने आप पर, अपने सर्वे पर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लोग मोदी मोदी कर रहे हैं तो सब सीटें मोदी के खाते में चली जाएंगी, क्योंकि महागठबंधन भी मजबूत दिख रहा था, क्योंकि उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, कुशवाहा के बड़े नेता, जीतन राम मांझी थे महादलितों के बड़े नेता, और सनफ मलाहों के बड़े नेता। ऐसे में, और इसके साथ यादव मुसलमान पूरी तरह से गुलबंद थे महागठबंधन के पक्ष में और एनडीए के खिलाफ। तो ऐसे इस तरह का नतीजा बता देना बड़ा मुश्किल काम है, निकाल देना। तो जो लोग दे रहे थे अपने ओपिनियन पोल, उस ओपिनियन पोल से तो साफ नतीजा निकल रहा था कि एक तरफा है, कोई लड़ाई ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि एक तरफा दिखा दे कि भाई एक तरफा है, लड़ाई नहीं है। क्योंकि हमने एक एग्जाम सेंटर पर रैंडम सर्वे किया था, 500 लोगों से बात की होगी, 500 में 5 आदमी भी नहीं मिला जो ये कहे कि राहुल गांधी को पीएम देखना चाहता है। सभी लोगों ने कहा कि मोदी चाहिए। क्यों भाई? तो स्ट्राइक का असर था। सबसे खास बात कि ठेला वाला, खुमचा वाला, पान की दुकान वाला, सब्जी वाला, ठीक है, झोपड़ी में रहने वाला, सब मोदी मोदी कर रहे थे। तो अंडर करेंट बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से रिजल्ट आया है। और आप पूछेंगे, अगला सवाल आपका हो सकता है कि महागठबंधन की हार की वजह क्या है? क्या रही? तो अंडर करेंट था, इस वजह से टक्कर में भी महागठबंधन नहीं रही, जो वोटों का आंकड़ा अंडर करेंट था, उसकी वजह था एयर स्ट्राइक, सबसे बड़ा कारण था। और सबसे बड़ा मुद्दा था कि गैस सिलेंडर और शौचालय, घर में शौचालय, ये यही मुद्दा था। एयर स्ट्राइक सबसे ऊपर, इसके बाद गैस सिलेंडर और हर घर में शौचालय, ये बहुत बड़ा मुद्दा था गरीबों के लिए। जो मैंने सर्वे किया उसमें मैंने देखा कि एयर स्ट्राइक जो है शिक्षित वर्ग में वो ज्यादा है, हावी है, और गरीबों के वर्ग में जो लेबर क्लास में गए तो वहां पर शौचालय और गैस सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा था। मैंने कहा ही कि एयर स्ट्राइक शिक्षित नहीं है, शिक्षित लोगों में भी, ठेला खुमचा वाले में भी है ये प्राउड कि मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, घर में घुस के मारा, ये है, गरीब लोगों में ज्यादा है। और गैस सिलेंडर मिला, घर में शौचालय हो गया, ये बहुत बड़ा तो मुद्दा था ही। और इन्हीं मुद्दों पर मोदी चुनाव लड़े और जीत गए। सबसे खास बात यह है कि मोदी की सफलता ये रही, या एनडीए की, कि एयर स्ट्राइक को सबसे बड़ा मुद्दा बनाए रखा, राष्ट्र की सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाए रखा, और कभी एनडीए भटका नहीं इस मुद्दे पर, वो जमा रहा, डटा रहा। लेकिन महागठबंधन के हार का जहां तक सवाल है पूछेंगे, महागठबंधन कभी एकजुट रहा ही नहीं। पहले तो सीटों के लेकर के मारामारी चली कि हमको इतनी सीटें चाहिए, हमको इतनी सीटें चाहिए, हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर गठबंधन चलता रहा, चुनाव होता रहा, कोई कहता रहा कि उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अविश्वास का भाव तो था ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट वाकई ट्रांसफर नहीं हुआ। होगा कैसे? क्योंकि जो ये गठजोड़ था, बेमेल था,
उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा के नेता हैं, तेजस्वी यादव यादव के नेता हैं। कुशवाहा यादव में हमेशा से छत्तीसगढ़ का रिश्ता रहा है, दोनों नेता तो साथ हो गए लेकिन कुशवाहा समाज साथ नहीं हो पाया यादव समाज के साथ, या यादव समाज कुशवाहा का साथ नहीं दे पाया, यही दिखा है। और इसकी हार की वजह यही है कि कुशवाहा की पार्टी को हराने का काम किया यादवों ने, और यादवों को हराने का काम किया कुशवाहा ने। मलाह का वोट ट्रांसफर हुआ सबसे ज़्यादा, लेकिन जीतन राम मांझी का भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो गरीब तबकों के नेता हैं, मुसहर के नेता हैं, बहुत गरीब महादलित के नेता हैं, तो वहाँ पर जो प्रलोभन वाली बात चलती है कि जो प्रलोभन देगा जो पैसा देगा उसी को वोट दे देंगे, तो वो फैक्टर भी काम कर रहा था। और मुझे लगता है कि इस फैक्टर की वजह के साथ साथ जिस तरह से महागठबंधन में रार मची थी, पप्पू यादव की पत्नी दरकिनार किया गया, सुपौल से चुनाव लड़ रही थी, वहाँ उनके खिलाफ आरजेडी का नेता खड़ा हो गया, आरजेडी का विधायक विरोध करने लगा, तेजस्वी यादव गए ही नहीं, राहुल गांधी गए तो भी नहीं गए, पप्पू यादव ने मधेपुरा में खेल बिगाड़ दिया, और कई जगहों पर इसी तरह की स्थिति हो गई। मधुबनी में आपने देखा शकील अहमद कांग्रेस के बागी खड़ा हो गए, मार्जिन से 1.5-2 लाख वोट से जीते, फातमी बागी खड़ा हो गए, फातमी ने पार्टी भी छोड़ दी, तो बगावत कई जगहों पर थी, भयानक बगावत। और बीजेपी में छोटी मोटी बगावत हुई भी तो डैमेज सही समय पे, बक्सर में जो अभी कैमूर का पूर्व विधायक है आरजेडी का, वो खड़ा हो गया, यादव वोट उसने काट लिया अच्छा खासा, जगतानंद जो चुनाव जीत सकते थे हार गए। तो महागठबंधन में आपस में एक दूसरे को हराने की होड़ ज्यादा थी, इस वजह से उसकी हार हुई है। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन के नेताओं को सबक लेने चाहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है, सबक लेने चाहिए। कुशवाहा नेता का साथ मिल गया है, मलाह नेता का साथ मिल गया है, महादलित का नेता साथ हो गया है, तो उसका फायदा मिल सकता है बशर्ते उसका वोट ट्रांसफर हो, और इसमें टाइम लगेगा, रणनीति बनाने पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा। केवल नेताओं के साथ हो जाने से उसके समाज का वोट नहीं मिल जाता, रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर विधानसभा चुनाव में कुछ खेल हो सकता है। लेकिन इतनी शिकस्त मिली है, करारी शिकस्त, मुझे लगता है कि सर उठाने में भी थोड़ा मुश्किल होगी, बहुत कड़ी शिकस्त है। एक और सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को किस तरीके से उनके पॉलिटिकल करियर को आप देखते हैं, दोनों सीट से बहुत, देखिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे तो मंत्री थे, और एनडीए में भी उनको 2 सीटें मिल ही रही थी, 2 सीटें मिलती दोनों पर लड़ते जीतते और मंत्री भी रहते, लेकिन महागठबंधन के साथ आने पर उन माया मिली न राम वाली कहानी हो गई है, मंत्री तो अब नहीं रहेंगे, पार्टी भी नहीं बचेगी क्योंकि पार्टी में भी संकट पैदा हो गया ना, अब तो लोग जो बचे हुए भी हैं वो छोड़कर भागेंगे, भगदड़ मचेगी, उनके अपने कोई नहीं रहे, महागठबंधन में कितनी उसको अहमियत मिलेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आरजेडी कितनी अहमियत देगा ये बड़ा सवाल है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुझे लगता है कि कठिन समय है आगे, उसी तरह से माझी के लिए भी कठिन समय है, और सन ऑफ मला अगर अपनी सीट भी बचा लेते तो शायद उनका भाव रहता, लेकिन चूंकि वो युवा नेता है तो आगे युवा नेता है और उनका वोट ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, हार की वजह जो भी हो, हार की वजह केवल ये है जान लीजिए कि सन ऑफ मलाह क्यों हार गया, इसलिए हार गया, मैंने कहा ना कि सन ऑफ मलाह तो हो गया महागठबंधन का पार्ट, लेकिन उसका जो वोटर है कोर वोटर मलाह और यादव के बीच भी छत्तीसगढ़ रिश्ता है, अब पता कर लीजिए खगड़िया इलाके में, वो 7 नदियों से घिरा हुआ इलाका है, नदी ही वहाँ के जीवन, उसी पर उसका आर्थिक जीवन आधारित है, निर्भर है, यादवों का भी और मलाहों का भी, घाट को लेकर मलाहों में यादवों में लगातार संघर्ष चलता रहता है, यादवों को लगा कि अरे भाई ये तो जीत जाएगा तो मलाहों का वर्चस्व कायम हो जाएगा, मलाहों का बड़ा नेता है तो वो नहीं कायम होने देना है, कृष्णा यादव अलग विरोध कर रही थी, तो मुझे लगता है कि कई कारण है जिसकी वजह से वो हार गए, लेकिन उसका वोट ट्रांसफर हुआ है हर जगह पर, लेकिन यहाँ यादवों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया है, माने प्लानिंग करके धोखा दिया है, होता है ना कि कुछ बोलेंगे नहीं साथ दिखेंगे लेकिन साथ नहीं होंगे, नहीं तो यहाँ एलजेपी का जितना बड़ा मुश्किल था। और महबूब अली कैसर के खिलाफ रुख भी बहुत, राहुल गांधी ने आज इस्तीफे की पेशकश की है सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी ने कहा है कि आप पार्टी फोरम में बात रखिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए राहुल गांधी ने अगर इस्तीफे की पेशकश की है तो अच्छा किया है, क्योंकि करारी शिकस्त मिली है और महागठबंधन के नेता वो थे, इस नाते उन्होंने पेशकश की। राहुल गांधी के अलावा कौन हो सकता है फिर कांग्रेस का?
अध्यक्ष है, हो सकता है, लेकिन अभी कांग्रेस प्रयोग नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता सोनिया गांधी प्रियंका गांधी पर ज्यादा भरोसा करेंगी। पूरा देश भरोसा कर रहा है प्रियंका गांधी पर, देख रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो कांग्रेस की नाव पार हो सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाई खास। पुत्र प्रेम है, पुत्र प्रेम क्यों कर पाएगी? चुनाव के दौरान आप लाए और चुनाव के दौरान भी एक यूपी के एक भाग का आपने प्रभार दे दिया, वैसे कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर वो कांग्रेस की प्रमुख होती, राहुल गांधी की जगह पर होती, तो करिश्मा वो दिखा सकती थी और आगे भी दिखा सकती हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस खत्म हो गई ये कहना, ये सोचना मुझे लगता है गलत है। कांग्रेस अगर अब से भी चेत जाए, परिवारवाद के मोह से तो निकलती नहीं है बाहर, परिवार में भी अगर सही योग्य आदमी को पार्टी की कमान दे दी जाए तो मुझे लगता है कि पार्टी आगे बढ़ सकती है, चांस है। अरे अब तो मुझे लगता है ना कि जितना जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही बड़ा अवसर भी है। तो भाई ये चुनौती ये है कि अब तो आप कहीं न के नहीं रहे, संसद से अब गायबे हैं अब तो ना भाई। अमेठी हार गए राहुल गांधी, अमेठी वही बोले अमेठी हार गए, और अगर दो जगह से चुनाव नहीं लड़ते तो सांसद भी नहीं रहते, तो गनीमत है कि सांसद हैं। तो ये कांग्रेस की हालत तो यही है कि 5 साल प्रतीक्षा ही करना है आपको, तो बैठ के प्रतीक्षा करने से बढ़िया है कि 5 साल मेहनत करिए अपने को खड़ा करने के लिए। ये नहीं कि चुनाव आएगा तब देखेंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। ईमानदारी से 5 साल काम करेंगे राहुल गांधी तो अगले चुनाव में कुछ संभावना बनती है। और सीएम नीतीश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, कई उन्होंने शुभकामनाएं दी, जनता का आभार व्यक्त किया, लेकिन उनका एक इशारा था आरजेडी के नेताओं की तरफ और तेजस्वी यादव की तरफ कि मेरे पर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी की गई, हमला किया गया। कोई शक नहीं है कि व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी की गई, जिस तरह से मोदी को निशाना बनाया गया महागठबंधन के तमाम नेताओं द्वारा, उसी तरह से नीतीश कुमार पर भी लगातार तेजस्वी निशाना साधते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, इस बात का जिक्र भी किया, बिल्कुल चुप्पी साधे रहा। तो मैं कह रहा हूँ ना कि लगातार आप किसी को गाली देंगे, लगातार किसी पर आप हमला करेंगे और कोई जवाब ना दे, चुपचाप रह जाए, तो उसका जवाब असर उल्टा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं देके बहुत समझदारी का काम किया था और उस वजह से फायदा भी हुआ है। लेकिन देखिए अभी तो मुझे लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या महागठबंधन के साथ रहे लालू यादव के साथ, उस गठजोड़ को हरा पाना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी के साथ जब तक रहे बीजेपी अपराजय बनी रही, बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ गए, महागठबंधन भी अपराजय हो गया, और फिर बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी अपराजय है पूरी तरह से देख रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और बीजेपी का कॉम्बिनेशन बड़ा ही मजबूत है और उस कॉम्बिनेशन को बिहार में हरा पाना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह है कि नीतीश कुमार ने ग्राउंड लेवल पर एज ए मुख्यमंत्री बहुत काम किया है, विकास का काम तो किया ही है, और अति पिछड़ों के बड़े नेता है वो, अति पिछड़े उम्मीद से देखते हैं उनकी तरफ कि नीतीश कुमार तो भाई इतना दिन मुख्यमंत्री रह गए, ठीक है ना, अच्छा काम भी किया है और उनके समाज के लिए भी कुछ करेंगे, और बीजेपी को इसलिए अति पिछड़ा उम्मीद से देखता है कि वहाँ मौका है, उसे लगता है कि लालू यादव की पार्टी जीतेगी तो केवल यादव यानी लालू परिवार का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, अगर बीजेपी जीतेगी तो अति पिछड़े को भी मौका मिल सकता है। तो अति पिछड़ा तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी के साथ है, बात समझिए, और नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद और मजबूती के साथ जुड़ गया है, प्लस रामविलास पासवान, बिल्कुल रामविलास पासवान जो दलित हैं वो साथ हैं, तो रामविलास पासवान नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ रहेंगे, कोई भी जतन कर लिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई बिहार में आज की तारीख में हरा पाएगा। एक आखिरी सवाल है संगठन को लेकर के, कि जिस तरीके से संगठनात्मक तौर पे जेडीयू बीजेपी एलजेपी चुनाव लड़ी मजबूती के साथ, बूथ वाइज बकायदा मैनेजमेंट किया गया, जो विपक्षी दल थे वो उस हिसाब से मैनेजमेंट कर नहीं पाए, महागठबंधन के लोग आपस में ही लड़ते रहे, एक दूसरे को हराने में ही मशगूल रहे, कोई किसी को किसी दूसरे की चिंता नहीं थी कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। लेकिन एनडीए में आप देखा होगा आपने कि संघ के लोग आरएसएस के लोग लगातार एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हुए, इलेक्शन कंट्रोल कर रखा था, पूरा इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया था, क्या मुद्दा क्षेत्र में काम कर रहा है, किस मुद्दे पर काम करना है, कैसे जीतेगा कैसे हारेगा विरोधी, तो लगातार वो काम कर रहे थे, पूरे एनडीए के लिए काम कर रहे थे,
ये नहीं था कि आरएसएस और संघ वाले केवल बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे थे, वो एलजेपी के सीट पर भी जाकर काम कर रहे थे, वो जेडीयू के सीट पर भी जाकर काम कर रहे थे। तो जो एकता यहाँ दिखी और जो विश्वास दिखा आपस में, और जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी के बीच की लड़ाई को विपक्ष इशू नहीं बना पाया, नीतीश कुमार बनने ही नहीं दिया, नीतीश कुमार खुद दो फेज के बाद मोदी के नाम पर वोट मांगने लगे, उनके विकास के नाम पर वोट मांगने लगे, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने लगे, आतंकवाद के नाम पर वोट मांगने लगे। तो जो एकता नीतीश कुमार ने दिखाई बीजेपी के साथ, उसका पूरा लाभ मिला। दूसरी तरफ अविश्वास का भाव दिखा महागठबंधन में। रंजिता रंजन कांग्रेस की प्रत्याशी थी लेकिन आरजेडी के लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे। पप्पू यादव आरजेडी के सांसद थे, हालांकि हाल के दिनों में वो अलग होकर अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, लेकिन वो माने जा रहे थे कि आरजेडी का साथ देंगे, लेकिन दिया नहीं, उनको लिया नहीं तेजस्वी यादव ने। तो जो आपके साथ हो सकते उनको लिया नहीं, जो साथ नहीं हो सकते थे उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो साथ आना चाहते थे उनको भी साथ नहीं लिया। मोदी ने किसी को छोड़ा ही नहीं, नीतीश कुमार को तो साथ लिया ही, साथ ही शिवसेना को भी नहीं छोड़ा जो लगातार उनके पीछे पड़ा था। एक इसी संदर्भ में घटना याद आई कि चिराग पासवान ने नाराज होके एक इंडिकेशन के तौर पे एक पत्र लिखा था। चिराग पासवान ने नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर सवाल उठाया, अरुण जेटली मनाने पहुंच गए, अरुण जेटली मनाने पहुंचे, और चिराग पासवान राम की जो मांग थी कि इससे कम सीट नहीं लेंगे, देना पड़ा। रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके लिए राज्यसभा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बीजेपी ने अपने सहयोगियों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा। ये नहीं है कि हम हमारे बल पर आप हैं तो हम आपको भाव नहीं देंगे, आपको सम्मान नहीं देंगे। तो ये रणनीति बहुत काम आई, इससे भरोसे का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, सहयोगियों में लगे नहीं भाई हमारा भी ध्यान रखा जा रहा है, और उसका रिजल्ट निकला। आपको महागठबंधन में उल्टा था, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, सब एक दूसरे से अपने को ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे थे। तो तेजस्वी यादव अकेले क्या कर लेते हैं, और तेजस्वी यादव जैसा कह रहे हैं कि फिर नीतीश चाचा आना चाहते थे, पांच बार मिले थे प्रशांत किशोर, तो तेजस्वी इतना तो एरोगेंट थे ही ना भाई, नीतीश कुमार जैसे साथी को दोबारा साथ लेने को तैयार नहीं थे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि धोखा दिया, लेकिन बीजेपी ने तो ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जो रोज गलिया रहे थे और दुश्मन बने हुए थे सत्ता में साथ रहते हुए शिवसेना के लोग, उनको भी साथ लिया। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अभी नए नए राजनीति में आए हैं, उनकी धमकी सुनी बीजेपी ने, और शिवसेना ने तो बकायदा औपचारिक ऐलान। मुझे लगता है कि राजनीति में ईगो के लिए कोई जगह नहीं है, आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, मान सम्मान, सबके मान सम्मान का ध्यान रखिए और समझदारी से काम लीजिए तो जीत आसान हो जाती है, वही हुआ है इंडिया के साथ। और एक आखिरी सवाल है कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के नेता थे उनके बयानों से भी ये लगा कि बहुत प्री मैच्योर बयान दे रहे थे वो लोग, अब इस पर क्या चर्चा करना है, इस तरह के बयानबाजी का दौर तो दोनों तरफ से चला। नीतीश कुमार ने भले जवाब नहीं दिया लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने तो जवाब दिया ही तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव ही बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव के ऊपर भी एनडीए के नेता, तमाम नेता हमला कर रहे थे, वो राजनीति में होता रहता है, लेकिन हार की वजह, असली वजह क्या है, इस पर तेजस्वी यादव को, महागठबंधन के तमाम नेताओं को बैठकर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और ये चुनौती अवसर में बदले इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया श्रीकांत जी। तो देखिए, ये थी हमारी समीक्षा, हमारा विश्लेषण हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष के साथ। हार जीत लोकतंत्र में लगी रहती है, किसी जो जनादेश है उसका सम्मान करना चाहिए, और अब हमारी जो अगली नज़र है वो किसको क्या मंत्रालय मिलता है, कब शपथ ग्रहण समारोह होता है, इन सब तमाम खबरें को लेकर हम आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, और कल संसद को भंग करने के लिए जो सत्र था, ये जो सेशन था, उसको भंग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और नए सरकार के गठन के लिए कल बाकायदा राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा, और उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू होगी और शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल डिसाइड होगा। तो हमारी उस पर नजरें बनी हुई है, जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगा हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में।
आज ही डाउनलोड करें साउथ केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.southcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।